दोस्तों यार, क्या आप अपने मोबाइल फ़ोन के कीबोर्ड में फोटो लगाना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। गाइस, मैं इस वीडियो में बताया हूँ किस तरह से आप अपना कीबोर्ड में फोटो लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। बहुत ही बेस्ट लग रहा है देखने में, गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो कि कीबोर्ड में फोटो लगा रहता है तो कोई भी फ्रेंड भी पूछता है, दोस्त भी पूछता है कैसे लगाया भाई, हमको भी बताओ, तो बहुत ही बेस्ट लगता है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू कर दे गाइस। सबसे पहले गाइस आपको मैं यहाँ पर कीबोर्ड ओपन करके बता दे रहा हूँ, आप कीबोर्ड कहीं से भी खोल सकते हैं, व्हाट्सअप वगैरह कहीं से भी। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, फोटो लगा हुआ है तो अपना भी फोटो लगा सकते हैं, कोई एक्टर का भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फोटो लगा के बता दे रहा हूँ, यहाँ पर फोटो हटा चुका हूँ एंड गाइस सबसे क्लीन हो चुका है, यहाँ पर कोई फोटो अभी नहीं लगा हुआ है। तो गाइस यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा फोटो लगाने के लिए, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं इमोजी का ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। आपको इमोजी वाले ऑप्शन पर लॉन्ग प्रेस करे रखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लॉन्ग प्रेस करे रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर चले जाना है, यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको चले जाना है। तो चलिए चले जाते हैं सेटिंग वाले ऑप्शन पर। तो गाइस सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज पर परफॉर्मेंस एंड थीम का ऑप्शन दिखेगा, आपको थीम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। चलिए हम थीम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर थीम खुल चुका है, यहीं से आप जो फोटो सेलेक्ट करके आप लगा सकते हैं, वॉलपेपर डाउनलोड करके लगा सकते हैं यहाँ से। अगर आपका गैलरी में पहले से ऑलरेडी डाउनलोड है, चाहे अपना ही फोटो लगाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन ऊपर में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर आप अपना गैलरी खुल जाएगा, जो अपना फोटो सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक फोटो चूज़ कर लेता हूँ एंड आपको मैं सेलेक्ट करके आगे बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मैं एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया हूँ, जो कि एक्टर का है, एवेंजर्स एक्टर का है, एवेंजर्स अमेरिकन हीरो का है। तो उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर डन कर लेना है, सेलेक्ट करने के बाद आपको डन कर लेना है। चलिए यहाँ पर डन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ब्राइटनेस आप जितना बढ़ाना चाहते हैं ब्राइटनेस रख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ब्राइटनेस डन वगैरह करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम डन कर लेते हैं एक सेकेंड गाइस। ब्राइटनेस आप अच्छा रखिए, जो कि आपको अच्छा देखने में लगे। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर लीजिए, अपना कीबोर्ड में डाउनलोड करके हमेशा रख लिए रखना चाहते हैं अप्लाई कर लीजिए। और फोटो चेंज करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कीबोर्ड दिखा दे रहा हूँ कैसा लग रहा है अभी। तो यहाँ पर देख सकते हैं फोटो चेंज हो चुका है गाइस, बहुत ही बेस्ट लग रहा है देखने में। बताइए कॉमेंट में कैसा लग रहा है फोटो और वीडियो कैसा लगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद गाइस।